हमें कभी गर्व घमंड अभिमान मत आए, अभिमान करो अपने आप सत्य बल पर अनित अन्याय धर्म के विरुद्ध, मगर अपने मन को सदैव शांत रखो, मन को बिल्कुल स्थिर रखो, तनाव मुक्त रहो। अरे अब तनाव का समय तो अधर्मियों अन्यायियों का आ गया है, आप लोगों ने बहुत दीनहीन का जीवन जी लिया, तनाव का जीवन जी लिया, दुखों का जी लिया। अरे अब तो कंपन उन अधर्मी अन्यायी भ्रष्ट राजनेताओं के, भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के मन में होना चाहिए कि अधर्मियों अन्यायियों, मां की ऊर्जा जाग चुकी है, आम समाज जाग चुका है, अब तुम्हारे तनाव का समय आ गया है, या तो नौकरियां छोड़ दो, अपने पदों को छोड़ दो, अन्यथा एक न एक दिन तुम्हें जेल की काल कोठरी पर जाना पड़ेगा, वह पद भी तुमसे छूट जाएंगे, वो अपने ही बनाए हुए भौर जालों में उलझते चले जाएंगे। देखते जाना वह वक्त आना है, वह वक्त में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मगर हमें हर कार्य कर्म बल को प्रभाव बना के करना है। माँ के सामने भी हमें भिखारियों के समान नहीं खड़े होना, चेतनावान पुत्रों के समान खड़े होना है। क्या हम भिखारियों के समान भीख नहीं मांगते? माँ हमें वह कर्म बताओ, हमें वह ज्ञान दो, हमें वह भक्ति दो कि हम कर्म करके अनित अन्याय धर्म को समाप्त कर सकें। हमें कहना न पड़े माँ ऐसा कर दो, माँ हमारे शत्रुओं का नाश कर दो। माँ हमें वह शक्ति दो कि हम अपने शत्रुओं का नाश करने की सामर्थ्य खुद हासिल कर सकें, और हमें शत्रु का विनाश करने के लिए किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं। हम अपने आध्यात्मिक शक्ति के बल पर, अपनी माँ की ऊर्जा के बल पर, अपनी चेतना शक्ति के बल पर इस अनित्य धर्म को समाप्त करने में एक न एक दिन पूर्णतः सफल अवश्य होंगे, यह कार्य सुनिश्चित है। मगर हमें अधर्मियों और न्यायियों से अपनी आत्मरक्षा भी करना है, इसीलिए मैंने आपको वह धर्म दंड ध्वज दिया है। इस धर्म दंड ध्वज में अलौकिक शक्ति है, इसको अपना करके देखो, क्योंकि मैं जब समाज को कोई चीज प्रदान करता हूं उसके पीछे मेरा चिंतन होता है। अतः हर साधक के घर में धर्म दंड ध्वज होना चाहिए। आप प्रशासन से चाहो तो उसके सहयोग केवल बेईमान भ्रष्ट राजनेताओं को ही मिलता है। आप अपनी रक्षा खुद करना सीखो, अपने कार्यों के खुद जिम्मेदारी करो, खुद खड़े हो सको कि कहीं प्रशासन असफल हो रहा हो तो हमें बताएं। भक्ति मानव कल्याण संगठन के हमारी जहां जहां पर शाखाएं हैं, हमारे संगठन के कार्यकर्ता इतने सशक्त हैं, इतने चेतनावान हैं, इतने मर्यादित हैं कि जहां तुम असफल हो रहे हो वहां बताओ, वहां की व्यवस्था पे हम संचालित करके उन समस्याओं का समाधान करेंगे। भगवान की जय।